अगर आप BHU MSc Zoology एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कितनी यूनिट को कितना वेटेज देना है, राइट? मतलब कितनी यूनिट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 120 आते हैं, उसमें से 3 आपका 1 क्वेश्चन लेके जाता है। 1 क्वेश्चन की मार्क्स से मतलब 360 आपके टोटल मार्क्स का पेपर होता है, उसमें भी माइनस मार्किंग, अगर आप एक गलत करोगे तो -1 लाइक डिटेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। तो इसमें आपके 9 to 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मतलब ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबके माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि अगर एग्जाम NTA कंडक्ट कराएगी तो कितना वेटेज होगा, तो भी आपका इतना ही होगा, सेल बायोलॉजी का इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि NTA का अगर मैं DU की बात करूं तो काफी ज्यादा DU एंड BHU का पेपर मैक्सिमम देखा जाए तो काफी ज्यादा सिमिलर है, राइट? तो यहाँ पे आपको वेटेज इतना ही दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं बायोटेक की, तो बायोटेक में क्या होता है ना कि आपको अप्रोक्स 3 क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन मुश्किल से लाइक डीप पूछे जाएंगे। तो वही है कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे रेगुलर क्यूज अटेंड कर रहे हो तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। बाकी मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ तो वो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जो सिलेबस वाली वीडियोज बना रही हूँ तो वो भी सिलेबस वाली वीडियो बन रखिए, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन की, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी 13 से लेके 18 क्वेश्चंस तक। ओके, एंड इसमें आपके 10 to 12 क्वेश्चन काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। वही है कि आप गिने चुने टॉपिक्स होते हैं उसको अच्छे से कवर कर लो तो आप 10 to 12 क्वेश्चन इजिली पिक कर पाओगे। वही है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जितना हो सके उस टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस लाइक कहीं से भी मिले, चाहे वो आपको स्टेट यूनिवर्सिटी से मिले, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मिले, किसी भी यूनिवर्सिटी से मिले, उसकी PYQ उसको आप सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। तो देखो, इम्यूनोलॉजी के आपका 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इजीली पिक कर पाओगे। एनिमल डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और अगर ये NTA कंडक्ट करा दी, अगर मान लो अगर NTA ने कंडक्ट कराया तो ये इसका वेटेज काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, लाइक 25 से लेकर 30 क्वेश्चंस तक आपको एनिमल डाइवर्सिटी से पूछ लिया जाएगा। तो इस यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, श्योर से बात है ये यूनिट थोड़ा रट्टा मार यूनिट है, तो आपको सिंपल सी कुछ नहीं करना है, जितने भी PYQs स्पेशली नीट के PYQs आप अच्छे से सॉल्व कर लो, स्टेट यूनिवर्सिटी के PYQs सॉल्व कर लो, तो आप ये इजिली हो जाएगा। ओके, तो 15 to 17 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से 5 to 7 क्वेश्चंस, वो भी गिने चुने टॉपिक्स होते हैं, उसमें ऐसे अगर वो टॉपिक अगर आप कर लोगे तो 4 से 5 क्वेश्चंस आप इजीली पिक कर पाओगे। डिजीज की बात करें, सबसे इजी यूनिट ये डिजीज, क्योंकि हमें पता है कि वो डिजीज ये काम करती है, तो डिजीज का कुछ मुश्किल से 10-15 डिजीज होगी या फिर 20-25, उसको अच्छे से रट लो कि ये इसका वेक्टर ये है, ये ऐसे कॉज करती है, इसके इतना होता है वगैरह। ओके, तो यहाँ पे आपको 7 to 12 क्वेश्चंस डिजीज के लिए पूछे जाएंगे, मतलब ये यूनिट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक की। जेनेटिक से 5 to 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसमें भी गिने चुने टॉपिक्स आते हैं, तो वो भी आप अच्छे से लाइक सिंड्रोम वाले टॉपिक है ना, तो आप अच्छे से आप कर लेना। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपी की। तो माइक्रोस्कोपी की 4 से 5 टॉपिक मुश्किल से होंगे, तो वो आप अच्छे से कर लोगे ना, तो उसमें से आपके 1-2 क्वेश्चंस इजीली पिक कर पाओगे। ओके, तो इसमें भी इतना ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा लाइक बड़ा टॉपिक हो जाता है, बट वही है कि हमें अगर 2-3 टॉपिक पे ज्यादा वेटेज दे दिया जाए तो हम आप इजीली 4 क्वेश्चन तो इजीली आप कर पाओगे, राइट? बाकी क्वेश्चन तो आपको पता है कि लाइक साइकिल्स के बायोकेमिकल साइकिल से टॉपिक आ जाता है, वो ये कि आएगा तो अटेंड करोगे, अदरवाइज आप उसको स्किप कर देना, क्योंकि माइनस मार्किंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, एनिमल बिहेवियर की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन ये यूनिट बहुत इजी है, मतलब इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल सा टर्म दे रखी होती है, उन टर्म के ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए कि इस टर्म का मतलब ये है। अगर आप, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जांपल देख के आपको पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबकी डेफिनेशन सबका टर्म आपको जानना है कि इस टर्म का ये मीन है। अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो आराम से 2 से 3 क्वेश्चन इजीली आप कर पाओगे। अब हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। इसमें कुछ क्वेश्चंस काफी डीप पूछे जाते हैं और कुछ काफी इजी। अगर आपने BSc ये टॉपिक तो आप BSc में बहुत पढ़ते आए हो ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वही है कि आप इजीली आप कर पाओगे,
ओके तो 78 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो भी है कि वो क्या आप 4 से 5 क्वेश्चन कर पाओगे, मुश्किल से आप 2 से 3 क्वेश्चन आपको स्किप करना ही पड़ेगा क्योंकि 100% यहाँ पे अटेंड करने की एक्यूरेंसी बहुत कम रहती है। तो वही है कि स्किप करो तो आप स्किप कर सकते हो, इतना ऐसा कुछ नहीं है। हार्मोन वाले जो टॉपिक है वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा टॉपिक, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही पार्ट है बट मैंने इसको स्पेशल अलग से लिया है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर 7 से 12 क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। ओके तो इसी टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, जहाँ पे जितना डीप हो सके उतना डीप इस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है और जितने PYQ सॉल्व कर सकते हो, जितने स्टेट यूनिवर्सिटी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करना है आपको। ओके तो टोटल आपको 7 से लेकर 12 क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर NTA कराएगी तो भी इसका वेटेज इतना ही रहेगा, मे भी थोड़ा सा कम हो जाए NTA कराएगी तो, बट 6 से 7 वेटेज तो होगा ही होगा इस क्वेश्चन पे। अगर BHU कराएगी तो 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन तक वेटेज हो सकता है। कुल मिला के इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब हम बात करते हैं टेक्निक की, तो टेक्निक देखो बहुत इजी यूनिट होती है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे टेक्निक से डायरेक्ट क्वेश्चन मैक्सिमम आपका जो 2 से 3 क्वेश्चन होंगे ना आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस टेक्निक का यूज कहाँ पे है, राइट। और 1-2 मुश्किल से डीप पूछ ले जाएंगे तो उतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2 से 3 क्वेश्चन भी अच्छे से 100% दे दिया तो काफी इतना। तो आपको क्या करना है, सारे टेक्निक की लिस्ट बनानी है और इस टेक्निक का यूज कहाँ है, इसका यूज कहाँ है, इसका यूज कहाँ है, वो आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, इतना काफी है। बाकी जो PCR है उसका थोड़ा सा डीप देख लेना और क्रोमेटोग्राफी है थोड़ा उसका देख लेना, बाकी इतना कुछ लाइक बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं इंसेक्ट की, तो देखो इंसेक्ट के आपको 1 से लेकर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंसेक्ट के अंदर मैंने लिया है मॉस्किटो को, लैग को लिया है और आपके हो गए आपके मॉस्किटो, सिल्कवर्म एंड आपके हनी बीज, है ना। तो ये 4 इंसेक्ट आपके इसके अंदर आ जाएंगे। कौन कौन से, एक मॉस्किटो आ गया आपका, एक लैक आ गया, दूसरा आपका सिल्क मॉथ आ गया एंड तीसरा आपका हनी बी आ गया। इनके ऊपर से थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हनी बी में, लाइक कितने टाइप की हनी बीज होती है और इसका लाइक कौन इसकी वेराइटीज क्या होती है, सिल्क में उसके डिजीज के बारे में, लैक के डिजीज के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इनका प्रोडक्ट वगैरह थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। मॉस्किटो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके इसके 3 टाइप के मॉस्किटो होते हैं, कौन से डिजीज कॉज करते हैं वगैरह, तो ये सारा ध्यान रखना। ओके सो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 15 यहाँ पे यूनिट को डिवाइड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से डाउनलोड ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे क्यूज को अच्छे से अटेंड कीजिए, पुराने क्यूज मैंने करा रखे तो वो सारे पुराने क्यूज को आप अच्छे से आप अपने साइड से अटेंड कर लीजिए। ओके और सिलेबस वाली वीडियोस को भी आप अच्छे से देख लीजिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वो अभी जल्दी अपलोड कर लूंगी। ओके सो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।